गुरु कृपा सेवा संस्थान और अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में आयोजित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हरिओम नगर चौक स्थित शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा से एक मशाल जुलूस निकाला गया, जो गोलघर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर जाकर सम्पन्न हुआ। मशाल जुलूस के माध्यम से आज़ादी में शहीद हुए अमर बलिदानों को याद किया गया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर गुरु कृपा संस्थान के अध्यक्ष ब्रजेश त्रिपाठी सहित अन्य पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संस्थान के अध्यक्ष ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में वर्ष 2000 से मेले के पहले चरण के कार्यक्रम में एक मशाल जुलूस के रूप में अभी किसी के ऊपर बहुत ही सावधानी अनुशासन से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद करेगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव आयोजन समिति पिछले 10 सालों से बिस्मिल जी के याद में उन असंख्य लाखों क्रांतिकारियों के याद में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया, ऐसे क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को आम जनमानस के समक्ष और युवाओं का आइकान बनाने के लिए गुरु कृपा संस्थान एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा समेत शहर के अनेक सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम पिछले एक दशक से चलता चला आ रहा है। आइए, आयोजन का 10वां साल है और ये इस 11 दिवसीय आयोजन के प्रथम चरण में प्रथम दिन आज मशाल जुलूस का आयोजन होना है। आज दो तिथि और हमको रोमांचित और गौरवान्वित करती है। पहला, आज देश के एकता अखंडता के परिचायक सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, आज उनका पुण्यतिथि है। दूसरा, कल 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर दुनिया की सैन्य इतिहास में भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाकर पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण कराया था और सैन्य इतिहास के में 1,00,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे, ऐसा गौरवमय दिन 16 दिसंबर है। कल उसकी पूर्व संध्या पर भारतीय सेना के विजय दिवस के अवसर पर ये मशाल जुलूस का आयोजन है। इस आयोजन के माध्यम से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल समेत काकोरी कांड के चारों महानायक राजेंद्र नाथ लाहड़ी, जिनका बलिदान दिवस 17 दिसंबर को है, एवं ठाकुर रोशन सिंह, जिनका बलिदान दिवस 19 दिसंबर को है, और अशफाक उल्ला खां, उनका भी बलिदान दिवस 19 दिसंबर है। इस नाते इस पावन अवसर पर इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आयोजन के प्रथम दिन में आज मशाल जुलूस, 17-18 को सांस्कृतिक कार्यक्रम बिस्मिल पार्क में होगा। इसमें गायन, नृत्य, साहित्य, कला, स्केचिंग, पेंटिंग, रंगोली समेत अनेक साहित्य और कला से संबंधित कार्यक्रम प्रतियोगिताएं होंगी। उसके पश्चात 20 तारीख को राप्ती नदी के तट पर राम प्रसाद बिस्मिल जी की आकृति बनाकर और उनको श्रद्धांजलि देने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल का अंत्येष्टि इसी राप्ती नदी के तट पर हुआ था 19 दिसंबर 1927 को। उसके बाद 24 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय के जयंती के पूर्व संध्या पर उन विशिष्ट अतिथियों का सम्मान करेंगे जिन्होंने देश के और समाज के लिए विशिष्ट कार्य किया है और जो हमारे आइकान हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय देश के उन क्रांतिकारियों की मुकदमे निःशुल्क लड़े थे जिन्होंने देश के लिए अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी।
और इस नाते इस 11 दिन हम पूरे महानगर को, पूरे पूर्वांचल को हम राष्ट्रभक्ति के आंधी में सराबोर करेंगे और ये आयोजन मशाल जुलूस के रूप में एक क्रांति का संदेशवाहक बनेगा।